दर्शकों, आवामी टाइम्स में स्वागत। आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में सर्वधर्म को साथ लेकर चलने वाली, अन्याय और जातिवाद के खिलाफ विरोध में लड़ने वाली समतावादी प्रतिष्ठान का आज फोर्थ एनुअल डे के मौके पर इस अवसर पर सामाजिक फील्ड में समाज सेवा करने वाली अहम बड़ी एनजीओ को, संस्थाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और इस अवसर पर अहम बड़ी शख्सियत को भी सम्मानित किया गया। देश के विभिन्न इलाकों से सभी धर्म के लोगों ने लिया भाग। समतावादी प्रतिष्ठान का विशाल समारोह हुआ सफलतापूर्वक। आवामी टाइम्स रिपोर्ट। आज हमारा चौथा वर्धापन दिन है। संगठन आज पाँचवें साल में पदार्पण कर रहा है और आप देख रहे हो आवामी न्यूज़ और बाकी मीडिया चैनल। हम एक छोटे से हॉल में शुरुआत करती थी, आज यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा लोग उपस्थित है। इसका मतलब ये है कि लोग जुड़ रहे, अच्छे अच्छे संगठन हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और ये साल हमने एक टारगेट रखा है कि हम षणमुखानंद में ऐसे कार्यक्रम करें और उसकी ओर चल रहे हैं। वो हमें वो ग्रोथ भी दिख रहा है, नज़र आ रहा है। ऐसे कहाँ कहाँ से लोग आए और किन किन परिवार के जा रहे हैं? देखो, आज हम कुल मिलाकर 20 अवार्ड दे रहे हैं। अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करे, सामाजिक क्षेत्र में काम करे, स्पोर्ट्स में काम करे। किसी ने राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, किसी ने ब्रेवरी अवार्ड उनको राष्ट्रपति से मिला है और ऐसे अलग अलग घटक के लोगों को हम यहाँ पर अवार्ड देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने की कोशिश करें, प्लेटफॉर्म हम निर्माण करें ताकि और लोगों को प्रोत्साहन मिले अच्छा काम करने का। यस, पिछले 2 महीने में हमने 2 अलग अलग विंग्स निर्माण किए हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन का RTE विंग, हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता असलम शेख, जाफर भाई जैसे डैशिंग कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं जिन्होंने 4,000 विद्यार्थियों को फ्री में एडमिशन करवा कर दिया स्कूलों में, गरीब बच्चों को। और इसके अलावा अभी हमारे साथ में असंगठित कामगार की एक बड़ी संगठना संगठन में विलीन हो चुकी है। उनके 4,000-5,000 सभासद है जो समतावादी प्रतिष्ठान में जुड़ चुके हैं। तो उनके जो समस्या है असंगठित कामगार के, जिसको अभी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है, तो गवर्नमेंट के साथ उप मुख्यमंत्री साहब के साथ लेकर कुछ करने का हमारा एजेंडा है। हमारे साथ में जितने भी बॉडीज जुड़े हैं, जो विंग्स हमने डेवलप किए, यूथ विंग है, माइनॉरिटी विंग है, उसके बाद में RTE विंग है, हेल्थ विंग है और अभी हाल ही में जो जुड़ा हुआ असंगठित कामगार की जो विंग हमने अभी डेवलप की है, तो अभी इनके अधिवेशन में रखूँगा। अधिवेशन में उनको ट्रेन करूँगा, हम उनको कायदे की जानकारी देंगे, उनको उनके हक के बारे में जानकारी देंगे ताकि वो स्वावलंबित रहे और उनका शोषण न ही हो और उनका कोई दुरुपयोग न करे। यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा साल भर में। और आज जो यहाँ पर 400-500 का क्राउड उपस्थित है, मैं सोचता हूँ कि अगर ऊपर वाला साथ दे तो हम षणमुखानंद, जिसकी कैपेसिटी 3,500-4,000 की है, वहाँ तक हम जल्दी ये साल में पहुँच जाएंगे। देखो, मैं खुद पिछले 2 दशक से 20-25 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन संगठन को 4 साल हुए। संगठन हर क्षेत्र में कोविड के वक्त काम किया है। आप थे, आप जानते कि पिछली बार रेप केस में भी वो बच्ची का रेप हुआ था, हम वो उसको बेटी हुई उसे हमने अडॉप्ट करवाने की प्रोसीजर में है। उसके बाद में वो लड़की जिसके ऊपर ये अत्याचार हुआ था उसे हमने एक संस्था में एडमिट करवाया, उसका पूरा देखभाल वो संस्था करने वाली है, उसका एजुकेशन करने वाली है। तो हम सिर्फ एजेंडा उठा देनी है तो उसको पूर्णत्व को लेकर जाते, इसलिए संभावना भी चाहिए। और जो संवर्धना दिया गया ये काम को, काम करने का हिम्मत को बढ़ाने का काम है, ये बहुत अच्छा लगा। सभी लोग साथ आकर यहाँ पर इकट्ठे हुए उसके, हाँ, ये जो सब हर यूनियन NGOs जो एक साथ आकर के अपना काम करने का जो एक जहती दिखाया, यूनिफाइंग फोर्स के तौर से अगर ये काम करते रहें तो फिर इंसानियत का और समाज का बहुत अच्छा काम होगा। बंगाल मालदा ज़िला है, लेकिन यहाँ हमारे मालदा ज़िले से तकरीबन 10,000 कामगार और ये है मुकदम है जो यहाँ डेवलपमेंट के काम में लगे हुए हैं। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ उनके साथ हैं और ये समतावादी प्रतिष्ठान के साथ भी अच्छा लगा काम करने में। 40 साल काम करने के बाद आज कोई मुझे अवार्ड मिला और समतावादी प्रतिष्ठान ने मुझे वो दिया, इसलिए मैं उनके आज बहुत खुश हूँ। सर, अब कब से जुड़े समतावादी?
ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि और ऐसे अनेक साल उन्हें मिले और उनकी ताकत बढ़ती रहे और उनके माध्यम से जो उन्होंने अच्छा काम करने का एक ठान लिया है वो अच्छे काम उनके माध्यम से और तेज़ी से और ज़्यादा होते रहे, ये उनसे उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। कितना योगदान रहेगा समतावादी आगे चल के आपका? हमारा पूरा, हमारा और हमारे परिवार का पूरा योगदान है। हम राहुल जी भी आने वाले थे लेकिन कई किसी कारण वो आ नहीं सके, लेकिन मैं आपको आश्वासित करता हूँ कि समतावादी प्रतिष्ठान के प्रति नार्वेकर परिवार का सदैव पूरा योगदान रहेगा आगे चल के भी। बरेचसे मान्यवर आहेत की त्यांनी खूप सपोर्ट केलाय मला वेळोवेळी गेल्या 3-4 वर्षात काम करत असताना। सोशल कमिटमेंट असतात, सोशल एजन्सीज असतात, आदरणीय आमदार महोदय असतात, आदरणीय नगरसेवक असतात, विविध पक्षांचे अध्यक्ष असतात, त्यांचाही खूप सपोर्ट लागला आणि त्यांनी मला वेळोवेळी खूप मदत केली, त्यांचे खूप खूप आभार। यामुळे मी या पदावरती पोहोचू शकलो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माझे मित्र सहकारी विकासजी गोपाल यांना मी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं आणि आपला छत्रपती शाहू महाराज पुरस्कार त्यांनी स्वीकारावा। विकासजी गोपाल यांना मी शाहू